फ्री फायर को पीसी के ऊपर खेलना सबका ड्रीम रहता है, बट उतना बजट किसी के पास नहीं रहता कि भाई वो एक पीसी या फिर एक लैपटॉप अफोर्ड कर सके। बट फिर भी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने फ़ोन का यूज़ करके अपने टीवी में स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो। अपने फ़ोन में पीसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोगों को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे फर्स्ट Zondan की तरफ से आने वाला 3-in-1 HDMI केबल, सेकेंड कीबोर्ड एंड माउस, यहाँ पे मैं वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो वायर्ड भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफिसली आप लोग एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक टीवी या फिर एक मॉनिटर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये रहा हमारा सबसे मेन डिवाइस है Zondan की तरफ से आने वाला 3-in-1 HDMI केबल। एंड इन सभी का आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। और ये 3-in-1 HDMI केबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो तो चाहे आपका फ़ोन माइक्रो हो या फिर टाइप सी हो या फिर लाइटनिंग हो आईफोन हो, ओके, तो आप लोग चाहे तो इन तीनों में स्क्रीन मिररिंग कर सकते हो अपने टीवी में, स्मार्ट टीवी में या फिर मॉनिटर में, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इसी केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है और इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे ये जो इसका मेन साइड है ये रहा HDMI वाला, ये डायरेक्ट आपके टीवी में चला जाएगा या फिर मॉनिटर में चला जाएगा। और ये सेकेंड साइड है USB-A, तो ये यहाँ पे आप लोगों को 5 वोल्ट के चार्जर से इसमें पावर देना होता है। तो मैं यहाँ पे जो 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ वो ये है। और यहाँ पे जो थर्ड साइड है वो ऑब्वियसली मोबाइल में कनेक्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बेस्ट बैकग्राउंड रिमूवर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। हिटपॉ वेबसाइट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे यूजफुल टूल्स देखने को मिल जाएंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूवर के बारे में बताने वाला हूँ। ये वेबसाइट पे भी वर्क करता है और चाहे तो इसे आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो, सभी प्लेटफॉर्म पे ये सेम ही वर्क करता है। तो यहाँ पे एक हम बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट चूज इमेज पे क्लिक करके आप लोग एक इमेज ले लो। एंड जैसे आप लोग इमेज लोगे उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक इसका पूरा फुल बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। चाहे तो आप लोग इसका PNG बना के किसी भी थंबनेल्स में यूज़ करो या फिर आप कहीं भी यूज़ करो इसका PNG बना के, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्ट PNG भी डाउनलोड कर सकते हो, बट इसके अलावा भी यहाँ पे आप लोगों को एडिट के साथ बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये एक टेम्पलेट का ऑप्शन है, टेम्पलेट में आपको भर भर के टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड में भी बहुत सारे बैकग्राउंड्स भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक एलिमेंट्स में आप लोगों को बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि सोशल मीडिया आइकन, शेप्स एंड बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैं अभी एक टेम्पलेट पे एडिट करता हूँ, बस आप लोग एक टेम्पलेट को पिक कर लो एंड उसके बाद राइट साइड में सारा यहाँ पे लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी लेयर अगर काम का नहीं है उसे डिलीट भी कर सकते हो, एंड उसके बाद जो काम का है उन सभी को एडिट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किंग कोहली लिख दे रहा, एंड इसके साथ भी आप लोग इसमें बहुत सारे फीचर्स का भी यूज़ करके और भी नेक्स्ट लेवल एडिट कर सकते हो। बट यहाँ पे जब जैसे ये एडिट हो जाए उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो एंड सेव कर लो, आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड ये रहा रिजल्ट, आप लोग चाहे तो आप लोग बहुत सारे टेम्पलेट्स पे भी थंबनेल क्रिएट कर सकते हो यूट्यूब के लिए। जैसे कि ये वाला थंबनेल देखो, तो यहाँ पे मार्केटिंग के रिलेटेड ये सब थंबनेल्स है, बहुत ईजी वे में प्रोफेशनल थंबनेल्स बना सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। वीडियो को यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा हमारा HDMI केबल, एंड इसका जो HDMI वाला साइड है वो हमें मॉनिटर या फिर टीवी में कनेक्ट करना होगा, तो ये इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड साइड है उसे हमें 5 वोल्ट के चार्जर से कनेक्ट करना होगा, तो ये हम इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको डायरेक्ट पावर भी दे देते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने पावर दिया उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपने मॉनिटर को ऑन करते हैं या फिर आप अपने टीवी को ऑन करो। जैसे ऑन करोगे उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को बस इस इंटरफेस में बस आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, चाहे आपका फ़ोन माइक्रो या फिर लाइटनिंग हो या फिर USB-C हो, ओके। तो यहाँ पे मैं टाइप सी है मेरा Vivo T1, तो मैं यहाँ पे टाइप सी से ही डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दे रहा। तो यहाँ पर देखो जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए एक पॉपअप शो होगा, एक लिंक आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को व्यू क्लिक करना है। एंड उसके बाद आप लोग डायरेक्ट अपने क्रोम पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट ये एक नीटकास्ट नेम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लग जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये 3 MB का एप्लीकेशन है, बस इसे आप लोग डाउनलोड करो एंड उसके बाद इंस्टॉल कर लो अपने फ़ोन में, बहुत ईजी है। एंड जैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद जैसे आप लोग इसको ओपन करते हो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बस स्टार्ट नाउ पे क्लिक जैसे करोगे उसके बाद आपका जो स्क्रीन है मोबाइल का वो आपके टीवी या फिर मॉनिटर में स्क्रीन शेयर हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड माउस को, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग कहोगे कि पांडा माउस प्रो में इस सेटअप को करके दिखाओ। तो पांडा माउस प्रो अभी देखो मेरा एक्टिवेटेड है, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे जो
जोनटेन का जो केबल है वो आप लोग जैसे ही अपने फ़ोन से कनेक्ट करोगे ये भी एक यूएसबी डिबगिंग से ही ऑन होता है। आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डिबगिंग ऑन करके ही इसे कनेक्ट करना होगा, तभी जाके आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो पाएगा। और एक टाइम पे दो यूएसबी डिबगिंग वर्क नहीं करता, इसलिए यहाँ पे पांडा माउस प्रो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसका एक क्लियर रिजल्ट है कि आप लोग पांडा माउस प्रो से स्क्रीन शेयर करके गेम प्ले नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक कन्वर्टर का। तो यहाँ पे मेरे पास है फ्लाइटजी Q1, बट यहाँ पे आप लोग कोई सा भी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। एंड अभी मैं कन्वर्टर का भी यूज़ करने वाला हूँ, इसीलिए जो लेफ्ट साइड में पावर दिया था उसे मैं राइट साइड में फ्लिप करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो लेफ्ट साइड में फ्लाइटजी Q1 को पावर देने के लिए एक चार्जर का यूज़ करूँगा जो 5 वोल्ट का है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चाहे कन्वर्टर को पावर दो या फिर जोनटेन वाले केबल को, 5 वोल्ट का चार्जर का ही यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फटाफट से फ्लाइटजी Q1 को पावर दे देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं वायरलेसली सेटअप करने वाला हूँ। अब यहाँ से तो ब्लूटूथ से होगा नहीं सेटअप, तो इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट 2.4 GHz वाला जो डोंगल होता है उसी का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा कीबोर्ड का डोंगल और यहाँ पे इसके पीछे ही हमारे माउस का भी डोंगल मिल जाएगा। इन दोनों को निकाल लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने फ्लाइटजी Q1 में इसको अटैच कर देंगे। चाहे आप लोगों का कोई सा भी कन्वर्टर हो, आप लोगों को भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और मैंने जब इस कीबोर्ड को लगाया था तब यहाँ पे मेरा फ्लाइटजी Q1 के अंदर ये कीबोर्ड वर्क नहीं किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कीबोर्ड को भी चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे ज़ेब्रोनिक्स वाला कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं अभी तक जितने भी गैजेट्स का यूज़ किया उन सभी का आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। और ये वाला भाई देखो, कीबोर्ड जैसे लगाया इसका बैटरी ऑलरेडी लो था। एंड यहाँ पे मैंने फ्लाइटजी Q1 को अपने फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया और फ्लाइटजी गेम सेंटर एप्लीकेशन को भी ऑन करके यहाँ पे डायरेक्ट गेम के अंदर आ चुका हूँ। ओके, और इस पर मैंने पूरा फुल सेटअप बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार वीडियो देख लेना फ्लाइटजी Q1 का कैसे पूरा फुल सेटअप करते हैं। एंड यहाँ पर देखो, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड खेल रहा, तो ये अमेजिंग वर्क कर रहा। एंड मेनली कमेंट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में यही रहने वाला है कि इसमें इनपुट लैग है या फिर नहीं और इसमें डीले है या फिर नहीं। एंड मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रहा कि ये जो जोनटेन का 3-in-1 HDMI केबल है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ स्क्रीन मिररिंग के लिए, वो नॉन MHL फ़ोन को सपोर्ट करता है। ओके, और मैं अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो खुद नॉन MHL है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो फ़ोन है वो अगर नॉन MHL होगा तो डायरेक्ट HDMI से नो डिले वाला फंक्शन नहीं आएगा। ओके, अगर आप लोगों का फ़ोन HTML सपोर्टेड रहेगा तब जाके आप लोग डायरेक्ट HDMI से टाइप सी में कनेक्ट करके नो डिले नो लैग करके आप लोग ईजिली गेम प्ले कर सकते हो। बट यहाँ पे तो अभी हमारा है नॉन MHL, तो इसीलिए यहाँ पे ये इनपुट लैग भी रहेगा, बिकॉज ये यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से स्क्रीन मिररिंग करके तब जाके यहाँ पे गेम प्ले करवा रहा है। तो इसमें आप लोगों को लैग देखने को मिलेगा, एकदम हल्का सा लैग देखने को मिलेगा, डिले। और ये सेटअप MHL सपोर्टेड फोन के लिए भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो मैं आप लोगों को MHL सपोर्टेड फ़ोन पे स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट लेवल गेमिंग करके वीडियो बनाऊंगा। ओके, जिसमें आप लोगों को नो डिले नो लैग कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और गेम प्ले भी नेक्स्ट लेवल होगा उसमें। एंड ऐसे तो मेरे ख्याल से भाई अभी जितने भी फ़ोन है उन सभी में अभी नॉन MHL ही है, क्योंकि भाई फ्लैगशिप फ़ोन में ही MHL का सपोर्ट मिलता है। जितने भी USB 3.0 सपोर्टेड फ़ोन है उन सभी में MHL भी सपोर्ट करता है। ओके, बाय द वे आप लोग इस सेटअप का भी यूज़ करके नेक्स्ट लेवल गेमिंग कर सकते हो। आप लोगों को इन सभी का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो बस यार, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो 2K लाइक्स टारगेट रखते हैं, लाइक जरूर कर देना। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो मिलते जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।